Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. दोस्तों मैं आपका दोस्त अभिषेक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल क्या बात है यार। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेबल प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में। और अगर बात करें लेबल प्रिंटिंग के बिजनेस की, तो आप जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है जिसके ऊपर कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की डिटेल्स, कंपनी का लोगो और बाकी दूसरी सारी जानकारी दी होती है। और ये लेबल हर प्रोडक्ट के ऊपर होता है और ये लेबल हर कंपनी की जरूरत होती है जिसके जरिए कंपनी अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करती है। दोस्तों लेबल प्रिंटिंग का बिजनेस पूरे साल चलने वाला बिजनेस है और इस बिजनेस के जरिए काफी लोग काफी अच्छी कमाई भी कर रहे हैं क्योंकि तैयार प्रोडक्ट अच्छे मार्जिन के साथ मार्केट में बिकते हैं। दोस्तों कंपनी बाहर से अपने प्रोडक्ट के लिए लेबल प्रिंट करवाती है और फिर अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा मार्केट में बेचने के लिए भेज देती है। और अगर बात करें इसकी डिमांड की, तो चाहे वो फूड प्रोडक्ट बनाने वाली फूड इंडस्ट्री हो, उन्हें भी अपने प्रोडक्ट के लिए लेबल की जरूरत होती है। चाहे मेडिसिन बनाने वाली फार्मा इंडस्ट्री, उन्हें भी अपने प्रोडक्ट के लिए लेबल की जरूरत होती है। या फिर चाहे केमिकल इंडस्ट्री हो, उन्हें भी अपने प्रोडक्ट के लिए लेबल की जरूरत होती है। या फिर ऐसे ही हजारों इंडस्ट्री के द्वारा ऐसे ही लेबल का यूज किया जाता है उनके प्रोडक्ट के ब्रांडिंग के लिए। और आजकल हर सेक्टर में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी शुरू हो रही और काफी अच्छा बिजनेस भी कर रही है, तो ऐसे में ये लेबल प्रिंटिंग बिजनेस के लिए काफी अच्छा स्कोप है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सी कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए अलग से प्राइस टैग या फिर प्लेन स्टिकर भी तैयार करवाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम लेबल प्रिंटिंग का बिजनेस अपने गांव या शहर से शुरू कर सकते हैं, उसके लिए कौन से मशीन की जरूरत होती है, कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है और कैसे इसका बिजनेस शुरू कर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पे लास्ट तक। दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत आप अपने आसपास के शहर से करते हैं या फिर इंडस्ट्रियल एरिया से जहां पे ढेर सारी कंपनीज हैं, तो ये लेबल प्रिंटिंग बिजनेस के लिए काफी अच्छा स्कोप है क्योंकि आपको कस्टमर अपने आसपास ही मिल जाएंगे। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि इसे आप शहर से ही शुरू करें, इसे आप अपने गांव से या फिर छोटे शहर से भी शुरू कर सकते हैं। और आपको केवल जरूरत है अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच बनाने की। और मेरा भरोसा है कि दोस्तों शुरुआत में अगर आपने कुछ अच्छे कस्टमर बना लिए तो आप अपने बिजनेस को काफी जल्दी ग्रो कर पाएंगे क्योंकि फिर वैसे कस्टमर के रिपीट ऑर्डर आते रहेंगे और आपका बिजनेस चलता रहेगा। और लेबल प्रिंटिंग बिजनेस का एक फायदा ये भी है कि कंपनियां बल्क में ऑर्डर देती हैं और आपको घर घर घूम के अपने प्रोडक्ट को बेचना नहीं होता। शुरुआत में आप अपने बिजनेस की शुरुआत ट्रेडिंग से करें, इस लेबल बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कांटेक्ट करें और फिर वहां से लेबल तैयार कर अपने कस्टमर को भेजें। और जब आपके कुछ अच्छे कस्टमर बन जाएं और आपको इस बिजनेस की काफी अच्छी जानकारी हो जाए, फिर खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं ताकि लॉस के चांसेस ना हो। दोस्तों अगर आप छोटे लेवल पे इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप डिजिटल लेबल प्रिंटिंग मशीन खरीद सकते हैं और ऐसे मशीन के जरिए इंस्टेंट लेबल प्रिंट कर अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। और डिजिटल लेबल प्रिंटिंग मशीन की प्रिंटिंग क्वालिटी काफी अच्छी होती है और प्रिंटेड लेबल बिल्कुल क्लियर होते हैं। और डिजिटल लेबल प्रिंटर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें ना ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है और ना प्रिंटिंग के लिए प्लेट बनाने की और ना ही इंक को मिक्स करने की। ये नॉर्मल प्रिंटर के जैसे ही काम करते हैं। आपको बस कंप्यूटर से डिजाइन बना कमांड देना होता है और मशीन लेवल की प्रिंटिंग शुरू कर देती है। और मशीन में डाई कट भी लगा होता है जो आपके रॉ मटेरियल से वेस्ट स्टिकर बाहर निकाल देता है और तैयार प्रोडक्ट को अलग कर देता है। और इस मशीन में इंक के कार्ट्रिज लगते हैं जैसे आपके नॉर्मल प्रिंटर में लगते हैं, लेकिन ये इंक नॉर्मल इंक से थोड़े महंगे होते हैं। फिर भी छोटे छोटे जॉब्स के लिए डिजिटल लेवल प्रिंटिंग का यूज काफी ज्यादा किया जाता है उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी के कारण। और चूंकि प्रिंट की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, इसलिए अच्छे ब्रांड अच्छी क्वालिटी वाले लेबल को ही प्रेफर करते हैं। दोस्तों डिजिटल लेबल प्रिंटर की आपको बहुत सी वैरायटी मार्केट में देखने को मिल जाएंगी और आपको इसके बहुत से सप्लायर गूगल के जरिए भी मिल जाएंगे या फिर आपको अपने इंडिया में बहुत से सप्लायर ऐसे मिल जाएंगे जो बाहर से मशीन मंगा इंडिया में ही बेचते हैं। और मार्केट में इसका रेंज 1.5 लाख से शुरू होता है और मार्केट में आपको 50 लाख तक की डिजिटल लेबल प्रिंटिंग मशीन मिल जाएंगी, इसलिए आप अपनी जरूरत के हिसाब से ये मशीन खरीद सकते हैं। और वहीं दोस्तों बड़े लेवल पे इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको ऑफसेट या फ्लेक्सिबल लेबल प्रिंटिंग मशीन खरीदनी होगी जिसे आप 2 कलर, 4 कलर, 6 कलर या 8 कलर में खरीद सकते हैं। और वहीं अगर बात करें इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो इसके लिए सबसे पहले कस्टमर का डिजाइन बनाया जाता है कंप्यूटर के जरिए और इसके लिए आपको फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ या फिर दूसरे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए या फिर आप चाहें तो एक डिजाइनर को काम पे भी रख सकते हैं। और इसके लिए आपको जरूरत होती है एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर और एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की। फिर डिजाइन बनाने के बाद कस्टमर के डिजाइन का प्रिंटिंग प्लेट तैयार किया जाता है और इसी प्रिंटिंग प्लेट को मशीन के रोलर में चिपका के कस्टमर के डिजाइन को रॉ मटेरियल पे प्रिंट किया जाता है और मशीन प्लेट के जरिए इंक को रॉ मटेरियल पर ट्रांसफर कर देती है। आप चाहें तो ये प्रिंटिंग प्लेट बाहर से भी बनवा सकते हैं। बहुत से सप्लायर प्रिंटिंग प्लेट तैयार करते हैं और कस्टमर को सप्लाई करते हैं या फिर आप चाहें तो खुद की प्लेट मेकिंग मशीन भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। दोस्तों अगर बात करें लेबल प्रिंटिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल्स और मशीन की, तो इसके रॉ मटेरियल्स आपको अपने पास के हर बड़े शहर में मिल जाएंगे और जिसे सेल्फ एडेसिव पेपर या फिर स्टिकर भी कहते हैं। और इस रॉ मटेरियल्स में पेपर के 2 लेयर को गम की मदद से चिपकाया गया होता है और ऐसे पेपर पे एक साइड प्रिंटिंग की जाती है ताकि दूसरे साइड से उसे चिपकाया जा सके। और अगर बात
बात करें इसके वैरायटी की, तो स्टिकर की बहुत सी अलग अलग वैरायटी भी होती है, जैसे कि पेपर स्टिकर, पी कोटेड स्टिकर, पी व्हाइट स्टिकर, पीपी ग्लोस स्टिकर इत्यादि। और आपको अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये रॉ मटेरियल अपने सप्लायर को ऑर्डर करने होंगे और रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने पास रखना होगा। और आपको इसके बहुत से सप्लायर ऑनलाइन साइट्स के जरिए मिल जाएंगे, या फिर भी नहीं मिलते तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे रॉ मटेरियल्स के जरिए आप प्लेन स्टिकर या फिर प्रिंटेड स्टिकर तैयार कर अपने कस्टमर को बेच सकते हैं। और दोस्तों स्टिकर के अलावा आपको प्रिंटिंग के लिए इंक और इंक में मिक्स करने के लिए केमिकल, पैकिंग कोर और पैक करने के लिए पैकिंग बॉक्स की भी जरूरत होगी। वहीं दोस्तों अगर बात करें लेबल प्रिंटिंग मशीन की, तो आप इसके लिए कोई भी ऑफसेट लेबल या फिर फ्लेक्सो लेबल प्रिंटिंग मशीन खरीद सकते हैं। और आपको ये मशीन मार्केट में 2 कलर, 4 कलर, 6 कलर या फिर 8 कलर में मिल जाएगी। और अगर बात करें लेबल प्रिंटिंग मशीन के प्राइस की, तो मार्केट में इसका रेंज 5 लाख से शुरू होता है और प्रोडक्शन कैपेसिटी और क्वालिटी के हिसाब से बढ़ता जाता है। वैसे आप कोई भी लेबल प्रिंटिंग मशीन खरीदे, लेकिन खरीदने से पहले ये जरूर देख लें कि मशीन के साथ डाई कटिंग यूनिट जरूर हो, और अगर मशीन के साथ स्लिटिंग यूनिट हो तो ये और भी अच्छी बात है, वरना आपको अलग से एक स्लिटिंग मशीन भी खरीदनी होगी प्रिंट किए हुए लेबल के रोल को स्लिट करने के लिए। दोस्तों ऐसे मशीन के जरिए आप स्टिकर के अलावा पेपर, अल्मोनियम फॉयल, थर्मल स्टिकर या फिर दूसरे पैकेजिंग मटेरियल पे भी प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों मशीन के PLC यूनिट के जरिए मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, और प्रोडक्शन शुरू करने से पहले मशीन के एक साइड पर रॉ मटेरियल्स को लगा दिया जाता है और फिर इंक ट्रे में डिजाइन के हिसाब से इंक तैयार कर डाल दिया जाता है, और फिर मशीन के द्वारा ही रॉ मटेरियल्स पे डिजाइन को छाप दिया जाता है, और फिर आप उस रोल को स्लिट कर उसे पैक कर अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। और अगर आपको प्रिंटिंग की नॉलेज नहीं है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को काम पे रख सकते हैं जिसे प्रिंटिंग की अच्छी खासी जानकारी हो, और उसके जरिए आपको भी प्रिंटिंग की जानकारी हो जाएगी। और दोस्तों आपको इस मशीन के बहुत से सप्लायर indiamart.com की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और अगर फिर भी नहीं मिलते तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।